गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे ये उम्मीद करते हैं, और सारे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का लेक्चर सभी ने अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो कल हमने बच्चों देखो क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंसेस हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और एलिमेंट्स में भी हमने फर्दर डिवाइड किया था कि एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में होते हैं, और एलिमेंट्स 118 टोटल एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 हमारे कैसे हैं नेचुरली अकरिंग, और बचे हुए 24 कैसे हैं हमारे आर्टिफिशियली जो हमने लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए हैं। उसके अलावा हमने बताया कि भाई दो जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, कौन कौन से हैं बताओ, याद करो, ब्रोमीन और मरकरी, ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी स्टेट्स में होते हैं, तो दो लिक्विड में होते हैं बाकी सॉलिड और गैसियस होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया कि भाई मेटल्स में हो सकते हैं ये, मतलब एलिमेंट्स या तो मेटल्स हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं या फिर मेटलॉइड्स हो सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना अच्छा मैंने आपको करा दिया उससे अच्छा आपको कोई नहीं करा सकता कहीं भी। आपको मैंने मेटल नॉन मेटल की अलग से एक टेबल बना के आपको वीडियो में प्रोवाइड की, आपको एक एक प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और क्या बताया बताओ, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, सोनोरस प्रॉपर्टी, ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको कराई, शाइन, इलस्ट्रस प्रॉपर्टी, ये सब मेटल नॉन मेटल की एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको कराई। अब देखो जो आज का टॉपिक है बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, और आपको छोटा सा लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो हमारे एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट है, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स पढ़ना है। तो मेटल हमने बता दिया था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और नॉन मेटल बताया था कि गुड कंडक्टर नहीं होते। नॉन मेटल में फिर हमने बताया था कि कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, दो फॉर्म्स होती है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड होता है वो किसका होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल की निब होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, एक तरह से कार्बन का होता है। चलो बच्चों ये हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा ब्रोमीन हमारा था मरकरी था लिक्विड, वो था मेटल, और जो ब्रोमीन था हमारा HG और ब्रोमीन था ना, तो ब्रोमीन था वो हमारा नॉन मेटल था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता था, और आयोडीन अकेला ऐसा था जो नॉन मेटल होते हुए लस्टर्स फॉर्म, शाइनी नेचर शो करता था। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, इन सबको आप नोट्स कर लो, बार बार रिवाइज करते रहो, एक दो पेज की मैं नोट्स बनवाता हूँ, बहुत कंसाइज नोट्स बनवाता हूँ, बहुत अच्छा आपको मैं करा रहा हूँ मैटर, बहुत अच्छा स्पेसिफिक कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें हम कर नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप साथ साथ करते रहो तो ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको NTSC लेवल का पढ़ाया जा रहा है, बस फर्क कितना है कि केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। हम अब थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको जो थ्योरी करा रहा हूँ NTSC लेवल की थ्योरी करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनके हमने अलग अलग टाइप्स की। तो आप थ्योरी को अच्छे से करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी क्लासेज होगी, जब भी स्कूल में आप आओगे NTSC क्लासेज ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज अगर मेरे से पढ़ते रहो तो आपको मैं क्लास में भी NTSC के क्वेश्चन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करा दिया करूँगा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक हमारा थर्ड है मेटलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच का, मान लो इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल है, कहते हैं ना बिचोला है भाई, एक भाई एक्स्ट्रा प्लेयर हो जाता, मान लो 6-6 लोग 13 लोग है, 6-6 लोगों की टीम बन गई, एक को कहाँ भेजे, एम्पायर तो नहीं करेगा, वो भी खेल लेगा, कहेगा मेरे भी जी है भाई, तो क्या करेंगे उसको, भाई तू बिचोला बन जा, विकेट कीपिंग कर लेना, ये सारे आउट हो जाते हैं, इनकी तरफ से भी खेल लेना, हमारी तरफ से भी खेल लेना, बॉलिंग नहीं करने देंगे, पर यही तो होता है। तो ऐसे मेटलॉइड बिचोला टाइप है, ये क्या करता है, इसका मन करता है तभी मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देता है, इसका मन करता है तभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। ये इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, मतलब ये मेटल्स की तरह दिखते हैं, ये दिखने में मेटल्स की तरह शाइनिंग होंगे, लेकिन जब उसको हथौड़े से पिटेंगे तो मेलेबिलिटी की जगह ये ब्रिटलनेस शो करेंगे, टूट जाएंगे, दिखने में हमारे शाइनी होंगे लेकिन कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, या फिर कंडक्टिविटी उस अमाउंट में नहीं करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की मिड टाइप की प्रॉपर्टी शो करे उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये कैसे होते हैं, एक तरह से प्योर सब्सटेंसेज में कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट्स में ही एलिमेंट्स के सब पार्ट है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स का। तो कर लोगे डेफिनेशन देखो, द एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कुछ तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, मतलब दोनों की एक तरह से मिक्सअप प्रॉपर्टी शो करेगा, उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। तो मेरे ख्याल में मेटलॉइड्स में ज्यादा कुछ था नहीं, डेफिनेशन थी आपकी और ये आपका मेटलॉइड्स हो गया। इनको ही मेटलॉइड्स को ही हम कई बार कह देते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। देखो फाइनल से पहले क्या होता है सेमीफाइनल, मतलब कि सेमीफाइनल में जाने वाले फाइनल खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते, ऐसे सेमीकंडक्टर्स।
कि कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स, मेटल्स कंडक्टिविटी कौन शो करते हैं, मेटल्स, सेमी, मतलब ये मेटल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते वो बाद की बात है, इसलिए नहीं हो सकते, हो सकते कि बीच में कौन आता है, मेटलॉइड, इसलिए मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड की कहानी इतनी है कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टी वो शो करेंगे और सेमीकंडक्टर भी इनको कह दिया जाता है, और ये कुछ एक प्रॉपर्टीज मेटल की तरह शो करते हैं, कुछ एक नॉन मेटल की तरह शो करते हैं, उसके अलावा जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो दोनों से कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेम एक जैसी होती हो। तो सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ इनको सेमी मेटल्स भी कह देते हैं, सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल में इनमें क्या लिखोगे, देखो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप इसके लिए लिखो सिलिकॉन, बोरोन एंड जर्मेनियम, ये तीन एलिमेंट है आपके, सिलिकॉन, बोरोन एंड जर्मेनियम, जी ये एग्जाम्पल आप लिखना है। सिलिकॉन वो होता है जो हमारे आजकल सोलर प्लेट्स होते हैं ना, उनमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, हमारा जो स्ट्रिप्स होती हैं उनमें सिलिकॉन होता है, और जो हमारी चिप होती है माइक्रोचिप या जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं सिलिकॉन की होती है, काफ़ी सारे जो माइक्रो हमारी चीज़ें बनती है सब पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज उसमें सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये सिलिकॉन क्या है, एक तरह से मेटलॉइड है, मर्जी करता है तो मेटल की तरह मर्जी करता है, नॉन मेटल की तरह मर्जी करता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा मर्जी करता है तो कम शो करेगा, या हम भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेटलॉइड का हमारा ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, और 6-7 लेक्चर में ये यूनिट भी हमारी खत्म हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, फिर एक रिवीजन आएगा, फिर आपका एक टेस्ट आएगा, जैसे पिछले वाली यूनिट की उतनी अच्छे से हम ये यूनिट करेंगे, फिर एक बार दोनों के साथ में रिवाइज करके टेस्ट लेंगे, ऐसे चलेगा हमारा, हाफ ऑफ द सिलेबस हो जाएगा अभी इस मंथ से 20 तारीख से पहले। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो इस चैनल को आप वीडियो को खोलोगे तो उसमें आपको सारी पीछे वाली वीडियोज आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो वाली वीडियो नहीं है, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट की अलग प्लेलिस्ट है, 9th क्लास की सेकंड यूनिट की अलग से प्लेलिस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर की ये वीडियो इस लेसन की आ गई है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस काम करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सभी से सब्सक्राइब कराओगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।